रेलवे प्रशासन की लापरवाहियों का नजारा इन दिनों भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है, जहां स्टेशन के टाउनशिप की तरफ की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिससे फुट ओवर ब्रिज को पार करने के बजाय यात्री जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते देखे जा सकते हैं। जल्द सड़क पर आने की होड़ में ये सब ऐसे ही नजर आते हैं। पूरे देश भर में रेलवे प्रशासन द्वारा कभी कभार स्टेशनों में मजिस्ट्रेट चेकिंग चलाई जाती है, जिसके तहत चालानी कार्रवाई भी की जाती है और हिदायतें भी खूब दी जाती हैं, जिसमें कि रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक को पार ना करते हुए स्टेशनों पर बने फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने की समझाइश भी दी जाती है और बिना टिकट या अन्य प्रकार की जांच करके जुर्माना भी किया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया कभी कभार ही देखने को मिलती है। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में भी आजकल लगातार दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो कि भिलाई टाउनशिप की तरफ उतरता है, उस पर उतरने के बाद लोग फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करने के बजाय रेलवे ट्रैक पार करके बाहर निकलते देखे जा सकते हैं और इसका फायदा ऑटो चालक भी बखूबी उठा रहे हैं, क्योंकि टाउनशिप की तरफ रेलवे की भूमि को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया दीवार कई जगह से टूट गया है और इन्हीं जगहों पर ऑटो चालक अपनी ऑटो खड़ी करके खुद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 3 को रेलवे ट्रैक पार कराते हुए लाना ले जाना करते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और ऐसी स्थिति में रेलवे स्टेशन पर बने ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो चालक ग्राहकों के इंतजार में खड़े रह जाते हैं। ऐसी स्थिति को रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य के उमाशंकर राव ने संज्ञान में लिया और बताया कि इनकी जानकारी रेलवे के DRM को दी जा चुकी है और यह स्थिति बद से बदतर हो जाए इससे पहले कोई ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। एक बार पुनः उमाशंकर राव ने रेलवे प्रशासन के समक्ष गंभीरता से यह मामला रखने की बातें कही है। भिलाई पावर हाउस स्टेशन में जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म की और चारों ओर दीवार टूटी हुई है, जगह जगह टूटी हुई है, जिसके कारण आए दिन जो है दुर्घटना होने की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो यात्री जो है विभिन्न रेलों से जब पावर हाउस स्टेशन में उतरते हैं वो लगातार रेल पटरी पार करके इस ओर सेक्टर की ओर पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं ये गंभीर चिंताजनक विषय है कि कभी ना कभी बड़े हादसे हो सकते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। मैं शीघ्र ही इस मामले में जो है DRM और CDM साहब से चर्चा करके तुरंत जो है दीवार निर्माण करने की बात को कहूँगा और सुरक्षा इंतजाम को भी बढ़ाए जाने की उनसे चर्चा करें। जो ऑटो चालक इस टूटी दीवार के पास से यात्रियों को लाना ले जाना करते हैं, वही ऑटो चालक शाम ढलते ही इसी दीवार के पीछे नशाखोरी का काम भी बेफिक्र होकर करते हैं। जरूरी होगा कि रेलवे प्रशासन इसे संज्ञान में लेकर जल्द कोई ठोस कार्रवाई करे, जिससे यात्री भी सुरक्षित रहें और रेलवे स्टेशन पर बने ऑटो स्टैंड के ऑटो चालक भी 2 रोटी कमा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।